अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आज की सूरत हाल कुछ इस तरह थी। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ इस तरह के अभी हम पहुंचे हैं शरियार के घर और प्रोग्राम हम कर रहे हैं तिक्कों का। तो अभी हम लेने जा रहे हैं गोश्त, तो गोश्त लेके आके फिर हमने उसको मसाला वगैरह लगाना है और पूरा चौकस प्रोग्राम कर रहे हैं हम, क्योंकि आज संडे है और संडे को फुल इंजॉयमेंट करनी है हमने। अच्छा जी, हम गोश्त का कह रहे हैं गोश्त वाले को, उसके पास ज़रा रश पड़ा हुआ है इसलिए उसने भी हमें करके नहीं दिया। तो कहता थोड़ी देर तक मैं गोश्त भिजवा दूंगा घर में, इतनी देर में हम कोई शुगर मिला करते हैं। जी, मैं अब आपको अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये है मेरा दोस्त कमाल, ये मेरे साथ इंटर में मेरे साथ पढ़ता रहा, लेकिन अब ये पढ़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग। और ये हमें बहुत कम मिलते हैं आजकल, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ है, बहुत बिजी है। तो आज बड़ी मुश्किलों से इन्हें काबू किया हमने और आज हम इन्हें जाने नहीं देंगे, ऐसे फुल शुगर मेला करेंगे। वो हम आपको भी फिल्म बोल करेंगे। अच्छा जी, गोश्त तो आ चुका है और गोश्त साफ कर रहे हैं उस्ताद शरियार और उस्ताद मूर, दोनों गोश्त साफ कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी अभी मेरा एक और दोस्त आया है और इनका नाम है हुसनैन लाडी, सॉरी हुसनैन लाडी नहीं, हुसनैन मिर्जा, हुसनैन मिर्जा, हुसनैन मिर्जा नाम है इनका। और ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। हमारा जब फर्स्ट ईयर का पेपर था अकाउंटिंग का, बोर्ड का फाइनल एग्जाम, तो मैं पेपर दे के तकरीबन 10:30-11 बजे मैं पेपर दे के बाहर निकल रहा हूँ और ये जनाब आगे से पेपर देने आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या सीन हुआ ये, तो बाद में पता चला, इससे पूछा भाई किधर इतने लेट क्यों, तो कहता मुझे नींद आई हुई थी, तो मैं रात को लेट, देख लो 1 बज गया और मैं अभी सो के उठा, अभी भी सो के उठ के आ रहा है। उस दिन भी इसने यही किया था, बहुत लेट आया था पेपर देने, फिर इसका पेपर कैंसिल हो गया था और उसके बाद वो दिन ने पास तो किया था ना, पास इसने कर लिया था। ये देखे जी, टिक्के पूरी तौर पे सड़ चुके हैं, देखे क्या बात है, कोयले के ऊपर कोयले, मजाक कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बने हैं, चेक करें क्या बात है, ये एक सड़ा हुआ है बस बीच में। इसके हाल कुछ इस तरह के हम जा रहे हैं रोटियां लेने। अभी अभी हम खाना खा के निकले हैं, तो हम तो वापस जा रहे थे घर, लेकिन शरियार कहता है कि यहाँ पे एक और जगह घूमने फिरने की कोई पहाड़ वगैरह है यहाँ पे साथ ही बिल्कुल ना गाँव के, कहते हैं उधर आपको लेके जाना है, तो देखते हैं फिर क्या सीन है। पहुँचाए हैं वहाँ पे, देखते हैं। अब आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।